अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं ई एम फॉस्टर एज अ नॉवलिस्ट, ठीक है, कि वो किस तरह का नॉवलिस्ट था और पैसेज टू इंडिया में उसने एज अ राइटर अपना रोल कैसे प्ले किया। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर हैज बीन अ कंट्रोवर्शियल फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी फिक्शन। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी। वॉल्टर एलन हैज राइटली सेड दैट फॉस्टर इज अ नॉवलिस्ट डिफिकल्ट टू एसेस। प्लॉट कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। टी एम फॉस्टर इन हिज बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्लॉट एंड स्टोरी। अकॉर्डिंग टू हिम द स्टोरी मेयरली एग्जिस्ट इन हिज सीक्वेंस इन हिज टाइम इन एग्जिस्ट इन टाइम सीक्वेंस, बट द प्लॉट एग्जिस्ट इन रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। द प्लॉट इन द नॉवल्स ऑफ फॉस्टर इज नॉट कन्वेंशनल एंड इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Carl and Marl assert surprisingly that the plots of E.M. Forster are simple, direct, and economical. Walter and economical. अब जो है फॉस्टर जो है वो द प्लॉट जो था उसके नॉवेल्स का फॉस्टर वो कन्वेंशनल नहीं था, वो ट्रेडिशनल नहीं था और इतना आसान नहीं था टू अंडरस्टैंड। कॉल और मार्वन assert surprisingly that plots of E.M. Forster are simple, direct, and economical. के प्लॉट जो थे ईएम फॉस्टर के वो सिंपल थे, डायरेक्ट थे और इकोनॉमिकल थे। वॉल्टर एलन सेज दैट फॉस्टर प्लॉट्स आर इम्प्रोबेबल, मेलोड्रामिक एंड फारफेच्ड एक्सेप्ट दैट ऑफ पैसेज टू इंडिया। और वॉल्टर एलन ये कहता है कि फॉस्टर के जो प्लॉट्स थे वो इम्प्रोबेबल थे, मेलोड्रामिक थे, फारफेच्ड थे, एक्सेप्ट दैट ऑफ पैसेज टू इंडिया। ही सेज दैट इट इज वन थिंग टू राइट ऑन draft of fiction and to write on belief of writing a novel is another thing. और वो ये भी कहता है कि it is one thing कि आप एक write करते हैं on craft of fiction. एक तरफ तो आप craft of fiction लिखते हैं and to write on belief of writing. और एक तरफ आप अपने belief of writing से लिखते हैं is an other thing. ये एक other thing है कि craft of fiction एक other thing है और बिलीफ ऑफ राइटिंग अ नॉवल ये एक अलहदा चीज है। द पैसेज टू इंडिया डज नॉट मेजर अप टू हिज ओन स्टैंडर्ड द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज लैकिंग इन हिज नॉवल पैसेज टू इंडिया। कैरेक्टराइजेशन देख लेते हैं। फॉस्टर कैरेक्टर्स आर मोस्टली टाइप्स ऑफ फ्लैट कैरेक्टर। ही हैज नॉट फॉस्टर के कैरेक्टर्स जो थे वो मोस्टली टाइप्स थे और फ्लैट कैरेक्टर्स थे। ही हैज नॉट पोर्ट्रेट देम एज इंडिविजुअल। उसने उनको एज इंडिविजुअल जो है वो पोर्ट्रे नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स किस तरह के होते हैं। कैरेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं और एक राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो है वो मोस्टली जो है फ्लैट कैरेक्टर्स जो है वो बयान करता था। फ्लैट कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो शुरू से एंड तक वैसे के वैसे रहते हैं और उनमें कोई चेंज नहीं आता। और राउंड कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाते हैं और स्टोरी उनके इर्द-गिर्द यानी कि उनके स्टोरी के चेंज के साथ वो भी चेंज हो जाते हैं। दे कम अंडर टू ग्रुप्स। वो दो ग्रुप्स में आते हैं। दे आर आइदर क्रूटेशियंस और वाइटलिस्ट। द क्रूटेशियंस आर कंजर्वेटिव्स, देयर रिस्पॉन्सेस नेवर चेंज। ठीक है, जो क्रूटेशियंस होते हैं वो कन्वर्जेटिव्स हैं और उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो चेंज नहीं होते। कैरेक्टर्स लाइक रॉनी हेस्लो, मेजर कैलेंडर एंड द टर्टल्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। ऑन द अदर हैंड द कैरेक्टर्स आर फील्डिंग एंड मिसेस मूर बिलोंग टू द वाइटलिस्ट ग्रुप। दे आर मैन ऑफ फीलिंग एंड डीप इमोशन। हिज कैरेक्टर्स लैक पैशन एंड सेक्सुअल फुलफिलमेंट। उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो लैक करते हैं पैशन को और सेक्सुअल फुलफिलमेंट को। दे स्टैंड फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ लाइफ। वो स्टैंड करते हैं उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं सर्टन वैल्यूज ऑफ लाइफ को शो करते हैं। रियलिज्म, रियलिज्म कहते हैं रियलिटी बेस्ड कहानी को। आर्नल्ड बेनेट एंड गैल्सवर्दी प्लेस फॉस्टर अमंग द नेचुरलिस्ट एंड रियलिस्ट। हाउएवर द फैक्ट इज दैट ही इज नॉट सच प्रोनाउंस रियलिस्ट एज द अदर। द सरफेस मैनर मे अपीयर टू बी रियलिस्टिक बट ही इज इम्पेशेंट बिकॉज ही इन्फ्यूज sudden acts of violence in his plot. He places a romantic figure in a realistic environment. A Passage to India is a faithful presentation of Anglo-Indian relationship
relations, but the novel tend to be more philosophical and symbolic than a realistic representation of the racial problem. Morality देख लेते हैं. Morality में Forster is not in favor of convention, worship, snobbery, money, and affected manners. He advocates the adoption of sincerity, truthfulness in human relationship. His novels are expression of his moral vision. उसके जो novels हैं वो expression है उसके moral vision. Criticism देख लेते हैं on contemporary civilization. E.M. Forster has criticized the contemporary civilization and has launched a campaign against the ills of civilization, which was founded on the ideals of materialism. His satire is sharp and deals with convention and incident. M. Forster can be compared with D.H. Lawrence as the critic of the contemporary civilization. They have same reaction against the ills of civilization and share the positive theme, but they suggest different solutions. वो उनके सेम रिएक्शन थे अगेंस्ट द इल्स ऑफ सिविलाइजेशन और उन्होंने शेयर किया था पॉजिटिव थिंक बट दे सजेस्ट डिफरेंट सॉल्यूशन लेकिन उन्होंने डिफरेंट सॉल्यूशन सजेस्ट किया था. सिंबलिज्म देखते हैं. फॉस्टर कॉन्शियसली शेक्स यूज ऑफ सिंबलिज्म इन द नॉवल. सिंबलिज्म इज द प्रोमिनेंट फीचर इन द नॉवल ऑफ ई एम फॉस्टर. His symbols are different to comprehend. In Passage to India, the title is symbolic. Passage is symbol of link, and the writer seems to advocate a link between British and the natives of India. Passage जो है वो basically symbol था उसके link का, और writer जो है वो advocate करता है एक link between British और natives of India का. Mosques, caves and temples are also symbolic. Mosques stand for man's emotional nature. Mosques जो है वो मेंस के इमोशनल नेचर को रिप्रेजेंट करती है, while caves represent intellect, जबकि caves जो है इंटेलेक्ट को शो करती है. टेम्पल इज द सिंबल ऑफ लव एंड डिवोशन. टेम्पल जो है वो सिंबल ऑफ लव एंड डिवोशन था. अ लिबरल ह्यूमनिस्ट एंड रैशनलिस्ट. फॉस्टर इज ट्रूली अ ह्यूमनिस्ट एंड रैशनलिस्ट. ही बिलीव्स दैट लाइफ इज नॉट मेयरली इंटेलेक्चुअल. It is something more than that. He believed that wisdom of the heart was neglected in the 19th century, but he could not reconcile with the devotion of the of blood, which D.H. Lawrence advocated. Style देख लेते हैं. His prose style is exact mirror of his temperament. His style is not grand, but it is sensitive, dexterous, and graceful. His choice of adjectives and lift of tempo, of light, tuneful rhythm are skillful. tuneful rhythms are skillful. Conclusion dekh lete hain. To sum up, we can say that E.M. Forster is not a writer of stature of D.H. Lawrence, but he is a fine and enduring artist. His work of high standard. His novel lack emotional fire. Uska jo work hai uske andar emotional jo hai wo sorry life nahi dikhai gayi and human warmth nahi dikhai gaye. But there are certain virtues in him which very few novelists possess. Lekin kuch certain virtues hain jo ki bahut kam novelists hain jo ki wo possess karte hain.